हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो कल रात में ही हम ये सूचना दिए थे कि आपका डेट फॉर्म फिल करने का बढ़ गया है, लेकिन आज उसको हम डिटेल्स से बात कर रहे हैं और फिर आगे आपका कैसे आप फॉर्म फिल करें कि आपका फॉर्म सबमिट हो और कितने अभी आपका एस्पिरेंट अभी अप्लीकेशन कर दिए हैं, इसको भी जरा हम लोग एक बार गौर फरमाएंगे। और आज का देखते हैं आज इस वीडियो में आपका क्या है, उसको हम लोग देखते हैं डिटेल्स। आइए, तो सबसे पहला न्यूज ये है आपका कि आप देखेंगे कि कल ही एक एनटीए ने आपका नोटिफिकेशन जारी किया कि आपका डेट फाइनली बढ़ा दिया गया है। तो डेट बढ़ा दिया है कि आप देखेंगे यहाँ पे आपका कि आपका फाइनली डेट आपका देखेंगे यहाँ पे कल लास्ट डेट था, यानी कि 9 मार्च तक फाइनली लास्ट डेट था आपका, यानी कि 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिल करना, 9 मार्च तक आपका लास्ट डेट था। बट आप देखें कि बहुत सारे ऐसे आपके साथ भी हुई कि आपका फॉर्म जब फिल करने जा रहे थे ओटीपी नहीं आ रहा था, ओटीपी आ जा रहा तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, फॉर्म सबमिट हो जाए तो फिर आपका पेमेंट पे जाके फंस रहा था दोस्तों, ठीक है। तो आज देखिए कि इसको देखते हुए बहुत सारे आपने भी कॉल किया होगा, मेल किया होगा, हम लोग भी किए हैं, तो इसको देखते हुए एनटीए ने आपका फाइनली डेट बढ़ाने का आपका डिसीजन लिया और बढ़ा भी दिया आपका, यानी कि अब डेट आपका फाइनली जो है आपका 16 मार्च 2024 तक है। कब है? 16 मार्च 2024 तक। हाँ, अब 11:59 तक नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, 11:59 नहीं बल्कि यहाँ पे 10:50 PM तक ही है, 10:50 PM तक ही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ना कि 11:59 आप लोग उस इस कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि 11:59 तक मेरे पास टाइम है, बल्कि आपके पास 10:50 तक ही टाइम है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, आपका लास्ट जो आप फी जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो आपका है 16 मार्च तक है, यानी कि आप 11:50, यानी कि ये आप जो आपका है 11:50 तक है, कब तक? 11:50 तक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका रहा। और हाँ, फॉर्म फिल करने में आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कलेक्शन विंडो तो खुलेगा ही, लेकिन आपसे इसका क्या हो कि आप फॉर्म फिल करने में गलती कर बैठते हैं, तो इससे फिर आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। कलेक्शन विंडो तो ओपन होगा ही होगा, बट इसमें आपका क्या है कि टाइम आपका एक्सपेंड यानी कि खर्च हो जा रहा है, तो वो टाइम आप पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि अभी पास क्रूशियल आपका टाइम चल रहा है कि अभी आपके पास जो 5 मई को जो पेपर होना है, अभी से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने में आप एक ही बार टाइम दे दीजिए, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए कि बार बार उसको आप एडिट करना ना पड़े आपको, यानी कि कलेक्शन ओपन करना न पड़े, ठीक है दोस्तों। और दूसरा न्यूज पे हम लोग एक बात करते हैं कि आप देखेंगे दूसरा न्यूज है कि आप ईट यूजी 2024 पहली बार रजिस्ट्रेशन 25 लाख के पार दोस्तों। तो आप ये न्यूज देख के बहुत ही आप सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका दो कारण है आपका, आप अगर नोटिस किए होंगे कि आखिर इतना जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म इस बार बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण कारण दो कारण है आप देखेंगे। तो पहला कारण तो ये है कि आपको हम एक पहले वीडियो में बताया भी थे कि पहला तो एक NIOS वाले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि NIOS वाले भी इस अब एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा कि आपका PCB जो टाइप ने PCM है, लेकिन उनका आपका एक्स्ट्रा में जो बायो लेके चले थे अभी बायोटेक से थे, उसको भी इस बार अलाउ कर दिया गया है। तो इसका दो मुख्य कारण जो है आपका इसमें एप्लीकेशन को बढ़ने का कारण आपका दो है, ठीक है। तो यानी कि आपका एक तो NIOS वाले फाइट कर रहे हैं, दूसरा है कि आपका उधर से आपका बायो जो आपका एक्स्ट्रा में बायो ले रखे थे बायोटेक है, वो भी इस बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसका दो मुख्य कारण है कि आपका इस बार एप्लीकेशन इतना ज्यादा फॉर्म फिल हुआ है। और दूसरा, और आप देखेंगे बैक टू बैक ईयर का अगर आप उठा के देखिए, आप हिस्ट्री उठाइए इसका नीट यूजी का, तो आप देखिए यहाँ पे कि 2013 में आपका हुआ था 7,17,000 आपका हुआ था, 7,17,127 हुआ था। इसी तरह 2014 में देखिए 5 लाख समथिंग है, 2015 में आपका 3,74,000, 2016 में आप देखें तो 8 लाख है समथिंग, 2017 में देखें 11 लाख समथिंग, 2018 में 13 लाख समथिंग है, 2019 में 15 लाख समथिंग है, 20 में आपका 15 लाख समथिंग है, 21 में आप 16 लाख समथिंग है, 22 में आप देखिए तो 18 लाख समथिंग है आपका, ठीक है। उसी तरह 23 में आप देखिए तो आपका 20,87,462 बच्चे ने अप्लीकेशन किए थे कि नीट यूजी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप अब देखिए कि 2024 में आपके पास 7,000 था, 2024 में आपका अभी तक जो ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि 25 लाख आपका फॉर्म 25 लाख आपका फॉर्म गिर चुका है, ठीक है। 25 लाख बच्चे ने आवेदन एप्लीकेशन डाल चुके हैं, ठीक है। अभी 9 मार्च तक
9 मार्च तक लास्ट डेट था, बट अभी इसको बढ़ा के 16 मार्च कर दिया गया है। तो अभी जो बच्चे जो स्टूडेंट है, यानी कि जो बच्चे का आधार कार्ड लिंक नहीं था आपका मोबाइल से, आपका उनका ओटीपी नहीं आ रहा था, ये सारे बच्चे अभी बचे हुए, यानी कि अभी भी फॉर्म अभी गिरेगा, यानी कि 16 मार्च तक भी फॉर्म अभी गिरेगा ही। इसको लेके आप लोग मत ये हुई कि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन कुछ नहीं, कंपटीशन बस पढ़ने वाले में ही कंपटीशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन से मत डरें, कितना भी एप्लीकेशन हो जाए लेकिन इससे डरना नहीं है, ठीक है ना। आप जो अपने तैयारी जो कर रहे हैं, हाँ फॉर्म फिल करने में एक बार टाइम दीजिए, वो टाइम आपको फिर कलेक्शन में नहीं देना पड़े, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे थे कि हम लोग किस बार रिकॉर्ड तोड़ आपका एप्लीकेशन गिरा है, तो इसी में हम लोग आगे बात कर रहे थे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कि इस बार आपका जो पिछले साल की तुलना में आप देखेंगे 4,20,000 अभी तक, 4,20,000 अभी तक आपका फॉर्म एक्स्ट्रा गिर चुका है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, तो इसमें आपके इसमें आप देखेंगे कि अभी आपका 55% से अधिक आपका इसमें क्या छात्राओं ने यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट ने आपका अभी तक अप्लीकेशन डाल चुकी है, ठीक है। यानी 55% इसका रेशियो है आपका, ठीक है। उसी में आप देखें तो इस एग्जाम आप दे रहे हैं नीट जो, इसमें आपका क्या क्या है, तो आप इसी के थ्रू MBBS ले सकते हैं। एक MBBS का सीट इसमें क्या, 1,09,000 MBBS का सीट है, 26,000 डेंटल का सीट है, 7 इसके बाद यूनानी है, होम्योपैथ का है, वेटनरी है, आयुर्वेद व नर्सिंग की मिलाकर करीब 2,00,000 सीटें के लिए ये आपका आवेदन अभी जो आप लोग डाल रहे हैं, ये आपका आवेदन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अभी आपको बताया कि 16 मार्च तक बढ़ा दिया, 16 मार्च तक आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका है। अब इधर देखेंगे 834 मरीज पर एक डॉक्टर, अभी जो आपका देखेंगे यहाँ पे कि अभी आप लोग का रेशियो जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उसका कितना आपका रेशियो है डॉक्टर का, डॉक्टर और पॉपुलेशन में कितना आपके पास अभी रेशियो चल रहा है, तो आप देखिए 834 पर एक अभी डॉक्टर अभी देश में अभी है आपका, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया है कि आपको फॉर्म भरने में गलती नहीं की जाए, इसको आप एकदम बैठा लिए कि हमको गलती नहीं करना है, करेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, उससे आपका टाइम किल हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल कीजिए, और हाँ कोई भी डाउट होता है तो मेरा वीडियो में आपका नंबर दिया हुआ है, कॉल एक्सपर्ट को कॉल कीजिए और आप बात कीजिए, कोई भी डाउट होता है तुरंत आप जस्ट कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे एक्सपर्ट से और आप उनसे बात कीजिए, फिर आप आएगा आप प्रोसेस करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।